Assalamu alaikum guys, this is Wasim Raja. I hope you all will be in the pink of health and well-being. Today we are going to talk about gallbladder. Gallbladder is pear-shaped organ and it is located in upper right side of the abdomen, okay, just under the rib cage, okay. So this is the structure of gallbladder, and this structure is divided into four parts. This extended end of the gallbladder is called front of the gallbladder, okay, front of the gallbladder, and the center of the gallbladder is called the body of the gallbladder, okay. And the body of the gallbladder, it narrows in the infundibulum, okay, infundibulum, and it leads through the neck and to the cystic duct, okay. And this infundibulum is also known as a Hartmann's pouch, okay. So let's get going in details. गॉलब्लेडर का साइज और वॉल्यूम जो होता है वो कितना होता है, मतलब कि जो इसकी जो लेंथ होती है, मतलब कि ये कितना एक्सटेंट होता है, एंड टू एंड ये कितना एक्सटेंट होता है, तो इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 7.5 टू 12 सेंटीमीटर, ओके, 7.5 टू 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, ओके. एंड इसकी जो वेड्थ होती है मतलब कि ये कितना वास्ट होता है ये, इसकी वेड्थ होती है 2.5 सेंटीमीटर, ओके. एंड नेक्स्ट, इसका जो वाल होता है उसकी थिकनेस कितनी होती है, उसका मतलब वो कितना मोटा होता है, तो वो होता है 1 to 2 mm. कीप दिस इन योर माइंड, वो होता है 1 to 2 mm. और इसका वॉल्यूम कितना होता है, इसका वॉल्यूम होता है 30 to 35 ml. और ये फिर एक्सपेंड भी हो सकता है अप टू 50 ml. ओके. और गॉलब्लेडर जो होता है, गॉलब्लेडर की कैपेसिटी कितनी होती है, मतलब कि हाउ मच बाइल इट कैन कंटेन, ओके. तो ये मतलब 30 to 60 ml ऑफ बाइल को कंटेन कर सकता है, ठीक है. और ये जो गॉलब्लेडर होता है ये कवर्ड हुआ होता है बाय थिन लेयर ऑफ पेरिटोनियम. ये पेरिटोनियम क्या है, ये एक टिश्यू है. ये क्या करता है, ये जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको ये कवर करता है, मतलब उनको ये रैप करता है, ओके. एंड अब हम देखते हैं कि जो गॉलब्लेडर है ये किसके लिए है, हमारी बॉडी के अंदर किसके लिए है. इट एक्ट्स एज ए टैंक फॉर द बाइल विच इज प्रोड्यूस्ड बाय लिवर. हमने पढ़ा था जो लिवर से बाइल प्रोड्यूस होता है, लिवर के पास हेपेटोसाइट्स होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं, वो लिवर को बनाते हैं, और फिर वो लिवर क्या करता है, वो छोड़ता है इस बाइल को इंटो गॉलब्लेडर, ठीक है. तो गॉलब्लेडर के अंदर क्या होता है, गॉलब्लेडर के अंदर ये स्टोर रहता है, ठीक है, ये रिजर्व रहता है, ठीक है. तो स्टोरेज ऑफ बाइल, इस गॉलब्लेडर का यही काम है, इसकी मेन फंक्शन यही है, ये बाइल को स्टोर करता है, ठीक है, स्टोर करता है. अब ये बाइल क्या होता है, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि बाइल क्या होता है. बाइल इज अ येलो ग्रीन, थिंक स्टिकी फ्लूइड, ओके, दैट हेल्प्स इन डाइजेशन, ओके. मतलब कि ये इसका कलर जो होता है वो येलो टू ग्रीन तक हो सकता है, ठीक है. और वो थोड़ा सा थिंक होता है, मतलब कि मोटा होता है, और स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, वो ऐसा फ्लूड होता है, ये चिपचिपा फ्लूड होता है. और ये क्या करता है, ये हमें मदद देता है डाइजेशन में, फूड की डाइजेशन में. अब आप बताओगे कि ये इसका कलर येलो ही क्यों होता है और ग्रीन ही क्यों होता है. जो बाइल होता है, बाइल के अंदर कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, बाइल के अंदर बाइल पिगमेंट्स होते हैं, और बाइल पिगमेंट्स की वजह से इसका कलर येलो और ग्रीन होता है. मतलब कि बाइल के अंदर दो पिगमेंट्स होते हैं, एक होता है ब्लू रिबन और दूसरा होता है बिलीवर्डन, ठीक है. जो ब्लू रिबन होता है वो येलो कलर का होता है, और जो बिलीवर्डन होता है वो ग्रीन कलर का होता है. दैट्स वाई इनका जो कलर है, बाइल का जो कलर होता है वो येलो टू ग्रीन तक हो सकता है, ठीक है. और ये क्या करते हैं, ये बाइल जो है, बाइल हमें इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में मदद देते हैं, ठीक है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में मदद देते हैं. मतलब कि ये फूड को, ये जो मतलब जो फूड के अंदर जो फैट्स होता है, जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको ये फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है. तो फिर वो हमारी बॉडी के अंदर आसानी से डाइजेस्ट हो सकते हैं. और ये मतलब किनकी वजह से होता है, बाइल के अंदर कुछ ऐसे स्पेशल कुछ बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बताते हैं सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट, ठीक है. ये क्या करते हैं, ये हमें इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में मदद देते हैं. मतलब कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी ये भी बताया था कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स क्या होता है. इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स ये होता है कि बड़े बड़े जो फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं इंटू स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में, ओके. उसको बताते हैं हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ठीक है. तो रिजर्वर फॉर बाइल, ये बाइल को रिजर्व रखता है. मतलब कि जैसे
एक गाड़ी के अंदर मतलब डीजल टैंक होता है, तो उसमें जो डीजल होता है वो रिजर्व रहता है, ठीक है। और जब हमारी मतलब बॉडी को फिर जरूरत पड़ती है, ये ऐसी एक्ट करता है, एज ए टैंक एक्ट करता है। और फिर हमारी बॉडी को जब जरूरत होती है, जब इंटेस्टाइन्स में, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में इसकी जरूरत होती है, तो फिर ये वहां से सेक्रीट होता है, ठीक है। कैसे सेक्रीट होता है, ये एक तो स्टोर करता है इसको, और इसको रिलीज भी करता है, और इसको रिलीज भी करता है। कैसे रिलीज करता है, जो गॉल ब्लैडर की जो मसल वाल होती है वो कंट्रैक्ट हो जाती है, वो कंट्रैक्ट हो जाती है। किसकी वजह से कंट्रैक्ट हो जाती है, एक वहां पे एक हार्मोन सेक्रेट होता है, स्टिमुलेट होता है। उस हार्मोन को हम बताते हैं कोलीसिस्टोकाइनिन, कोलीसिस्टोकाइनिन हार्मोन उसको बताते हैं। और ये क्या करता है, ये गॉल ब्लैडर की जो मसल वाल होती है उसको कंट्रैक्ट करता है, और फिर वहां से क्या होता है, बाइल को सेक्रेट किया जाता है इंटू स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, ओके, इंटू स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। और एक बात याद रखिएगा कि अगर हमारी बॉडी के अंदर बाइल नहीं होगा, बाइल हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर नहीं होगा तो हमारी बॉडी के अंदर जो फैट्स है, फैट की डाइजेशन नहीं होगी, फैट की डाइजेशन टोटली नहीं होगी, क्योंकि जो ये बाइल होता है, बाइल बाकी जूसेस की तरह होता है, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर पैनक्रियाटिक जूस होता है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर गैस्ट्रिक जूस होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस रिलीज हो जाता है, जैसे हमारे जो स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं वहाँ से स्लाइवा जूस सेक्रेट होता है, सेम ये गॉल ब्लैडर क्या होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर भी क्या होता है, बाइल जूस प्रेजेंट होता है, लेकिन जो बाइल जूस है इसके अंदर एंजाइम्स नहीं होते हैं, और इसीलिए इसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं, इट इज़ नॉट हैविंग एन एंजाइम, तो इसीलिए इसको कहते हैं कि ये ट्रू डाइजेस्टिव जूस नहीं है। जैसे पैनक्रियाटिक जूस जो है वो ट्रू डाइजेस्टिव जूस है, लेकिन ये क्या करता है, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ये जो मतलब जो लाइपेस एंजाइम होता है, लाइपेस होता है, उसको ये एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट करता है। जब उसको एक्टिवेट करता है तब जाके वो फैटी एसिड्स पे एक्शन करता है, तब जाके वो फैटी एसिड्स को मतलब उस पर एक्ट करता है। अगर ये बाइल, अगर बाइल नहीं होगा तो लाइपेस एंजाइम जो है वो एक्टिवेट नहीं होगा, उसकी एक्टिवेशन नहीं होगी, ठीक है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, इस बाइल का जो पीएच होता है वो होता है 7.8 to 8.6, मतलब कि वो अल्कलाइन होता है, मतलब कि वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। ये बाइल क्या करता है, इसको न्यूट्रल करता है, न्यूट्रलाइजेशन इसकी करता है, ठीक है। क्योंकि जब फूड हमारे माउथ में होता है तो उसको हम बोल्स बताते हैं, जब वो हमारे स्टोमक में चला आता है तो उसको हम काइल बताते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके साथ वो एसिडिक फूड होता है, एसिडिक फूड इज कॉल्ड काइल, क्योंकि उसके साथ HCl होता है, ठीक है। और जब वो हमारे इंटेस्टाइन्स में आ जाता है तो वो मतलब वो काइल बन जाता है, काइल बन जाता है, क्योंकि जो बाइल होता है, बाइल क्या करता है, ये उसका जो एसिडिक नेचर होता है उसको ये अल्कलाइन बना देता है, उसको ये न्यूट्रल बना देता है, और उसके बाद क्या होता है, आगे जाके जो पैनक्रियाटिक जूस होता है वो उस पर एक्ट कर पाता है। अगर कभी हमारा जो गॉल ब्लैडर है, अगर कभी भी इसका जो सिस्टिक डक्ट है कभी ये ब्लॉक हो गया, ठीक है, कभी ब्लॉक हो गया तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। क्योंकि जो गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल होता है, और बाइल के साथ क्या होता है, बाइल बाइल में ये पिगमेंट्स होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं, उसमें बाइल साल्ट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, लेसिथीन होता है, और बाकी इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी उसमें होते हैं, यानी कि सोडियम आयन्स और पोटेशियम आयन्स में होते हैं, तो उनका जो मतलब क्या है, उनका बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। बाइल पिगमेंट्स उसमें होते हैं, ब्लू रिबन होता है और ब्लू बर्डन होता है, उनका बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उनका एक्सक्रीट आउट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर वो एक्सक्रीट आउट नहीं होंगे तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, हमें डिजीज हो सकती है, जिसको हम जॉन्ट्स बताते हैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो क्या होगा, जॉन्ट्स की वजह से क्या होगा, जो हमारे आइज जो होते हैं, इनका जो कॉर्निया है वो उसका कलर येलो हो सकता है, और हमारी बॉडी का कलर पेल हो सकता है, ठीक है। हमारे जो नेल्स होते हैं उनका कलर पेल हो सकता है, इवन जो हम यूरिनेशन करते हैं, जब हम यूरिनेट करते हैं तो यूरिन का कलर भी येलो हो सकता है, ठीक है, किसकी वजह से, जॉन्ट्स की वजह से। तो इसका बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है, क्योंकि जो बिली रिबन और बिली वर्डन होता है वो हीमोग्लोबिन का जो ब्रेकडाउन होता है वो उसके बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो उनका निकलना, बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ज़्यादा फ्राइड फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि फ्राइड फूड की खाने की वजह से क्या होगा, ये जो सिस्टिक डक्ट है ये सिकुड़ सकता है, नैरो हो सकता है और ब्लॉक भी हो सकता है। एंड वन मोर थिंग, अगर कोलेस्ट्रॉल हमारे जो गॉल ब्लैडर के अंदर रह गया, ठीक है, रह गया, तो क्या होगा, वहाँ पे हमें गॉल स्टोन्स डेवलप होना शुरू हो सकते हैं, ठीक है, उसी की वजह से, क्योंकि जब कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता उसके गॉल स्टोन्स बनते हैं, और फिर हमें आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, एंड आई होप दिस इज़ ऑल क्रिस्टल क्लियर टू यू।